दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जीमेल से फ़ोटो कैसे भेजें। अगर आप भी जीमेल से किसी को फ़ोटो भेजना चाहते हैं और आपको नहीं भेजने आता है तो आज की इस वीडियो का पूरी लास्ट और एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ जीमेल से किसी को भी फ़ोटो भेजने के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए सिंपली वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में जीमेल को खोज लेना है और उसके बाद सिंपली आपको जीमेल को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको करना क्या है, नॉर्मली जिस तरह से हम जीमेल भेजते हैं वो ऑप्शन आपको चालू करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको नीचे में कंपोज दिखेगा, सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर फॉर्म दिख रहा है, फॉर्म में वो ईमेल आईडी होगा जिससे कि आप भेजते हैं, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी होगा। और टू में आप उसका ईमेल आईडी डालेंगे जिसको आप भेजना चाहते हैं। कभी कभी क्या होता है कि किसी कंपनी को कंप्लेंट करना पड़ता है या किसी कंपनी में जॉब करने के लिए मुझे रिज्यूमे डालना पड़ता है तो वहाँ पर फोटो डालना पड़ता है। तो सिंपली यहाँ पर उसका ईमेल आईडी डाल लेंगे और उसके बाद यहाँ पर वो सब्जेक्ट डाल लेंगे, जैसे कि आप कोई पर्पज़ से डाल रहे हैं जॉब के लिए तो सिंपली यहाँ पर आप जॉब लिख सकते हैं, या कंप्लेंट के पर्पज से डाल रहे हैं तो सिंपली यहां पर आप कंप्लेंट लिख देंगे। और इसके बाद यहां पर ये जो कंपोज ईमेल है यहां पर आप वो सारा डिटेल लिख सकते हैं, जो आपको प्रॉब्लम है या आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो सारा डिटेल यहां पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको कोई फोटो या कोई डॉक्यूमेंट या कोई पीडीएफ अटैच करना होगा तो सिंपली आपको करना क्या है, यहां पर ये जो आपको अटैच का ऑप्शन मिल रहा है सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहां पर ये जो आपको अटैच फाइल दिख रहा है यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहां पर आपका गैलरी खुल के आ जाएगा। और उसके बाद सिंपली यहाँ पर जाके आप सिंपली यहाँ से गैलरी भी खोल सकते हैं, आप अपना फाइल मैनेजर भी खोल सकते हैं और जहाँ पर भी आपका जो भी फाइल होगा सिंपली आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर डेमो के लिए मैं एक फ़ोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली आपके जीमेल में कुछ इस तरह से दिखेगा। उसके बाद सिंपली आपको करना क्या, यहाँ पर ये जो सेंड का बटन है सिंपली यहीं पर जाना, आपको क्लिक कर देना। और इतना करने के बाद ये जो आपका मेल है जिसको भी आप भेजना चाहते हो उसके पास पहुँच जाएगा। अगर जो भेजा हुआ है, जैसे कि मैं भेजा हूँ तो मैं जानना चाहता हूँ कि गया या नहीं गया, तो इसके लिए ऑप्शन है यहाँ पर ये जो थ्री डॉट ऑप्शन है सिंपली यहीं पर जाना, क्लिक कर लेना। और उसके बाद यहाँ पर ये जो सेंड का बटन यहाँ पर जाके आपको क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ से मालूम चलेगा कि आपका मेल गया या नहीं गया। तो इसी तरह से दोस्तों आप बहुत ही आसानी के साथ किसी को भी मेल भेज सकते हैं, उसमें फोटो अटैच कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए गुड बाय।